नमस्कार, द स्पीकिंग इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 हाल ही में पास हो चुका है। आपको याद होगा कि भाजपा के मैनिफेस्टो में ये बिल को एक अहम हिस्सा दिया गया था। बात अगर मैं 2016 की करूं तो 2016 में भी ये विधेयक लाया गया था, हालांकि उस समय ये पास नहीं हुआ और बीते दिनों पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में ये पास हो चुका है। और मैं आपको एक और जानकारी देती हूं कि इसमें हमारे देश के राष्ट्रपति की भी मोहर लग चुकी है। अब ये पूरी तरीके से कानून बन गया है। मैं आपकी इसकी रिपोर्ट को दिखाने से पहले कुछ तथ्य और भी बताना चाहूंगी कि आपने देखा होगा जब ये विधेयक लाया गया था राज्यसभा में लोकसभा में, तो कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली थी, कुछ सूचनाएं हमें अलग अलग जगहों से आ रही थी कि लोग धरने पे बैठे हैं, आवाज़ ऊंची कर रहे हैं, तो वो क्या कारण था आपको हम अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। आपने सुना होगा कि बीते दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में शुरुआती संबोधन में कहा कि भारत की जनता हमें सुन रही है। मैं इस बिल को बड़ी सरलता से पेश करना चाहूँगा कि ये बिल देश के मुसलमानों के लिए खतरे का बिल नहीं है। जो भ्रम देश के मुसलमानों के बीच फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। रही बात नागरिकता संशोधन विधेयक की, तो इस बिल के अंतर्गत भारत के पड़ोसी मुल्क यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। साथ ही गृहमंत्री ने ये भी कहा कि जैन, हिंदू, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों की जो उनके देशों में उनका अधिकारों को छीना गया है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उसको देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। और इसी लिहाज से केंद्र की मोदी सरकार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई पारसी समुदाय के लोगों को भारत में अपने देश की नागरिकता देगी, चाहे वे 1997 में आए हों, 1950 में, 1970 में, 2000 में। जब ये बिल पास हो जाएगा वे भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। साथ ही जिस प्रकार इन शरणार्थियों पर घुसपैठ के मुकदमे चलाए जा रहे हैं, इन मुकदमों से भी इन शरणार्थियों को राहत मिलेगी। हालांकि लोकसभा में जब ये बिल पेश किया गया तो विपक्ष द्वारा कई प्रश्न किए गए थे। ऐसा ही राज्यसभा में जब चर्चा हुई तब भी हमने देखा गया कि जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में विधेयक चर्चा हो रही थी कि लोगों द्वारा बाहर आगजनी का सिलसिला जारी था। कई जगह स्थिति देखकर धारा 144 भी लगाई गई। आंदोलन को खत्म करने के लिए लोगों से अपील की गई, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। विपक्ष का कहना था कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संविधान की धारा 14 और 15 का उल्लंघन है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समान संरक्षण देने से इनकार नहीं करेगा और इसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल है। कुछ सदस्यों का ये भी कहना है कि हमारे देश में पहले ही बेरोजगारी की मार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ रही है, ऐसे में हम अपने देश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने कल भी देखा कि पूर्वोत्तर के साथ देश के अब कई हिस्सों में इस बिल का विरोध किया जा रहा है। बीते दिन पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। कैप का प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कैप भारत तक ही सीमित नहीं है, इस विधेयक की चर्चा विदेश में भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाले अमेरिका के एक राजनयिक का कहना है कि भारत में कैप से पड़ने वाले असर को लेकर अमेरिका चिंतित है। अमेरिका के विशेष राजदूत सैम ब्राउनबैक ने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा कि भारत का संविधान उसकी महान ताकतों में से एक है। एक साथी लोकतंत्र के तौर पर हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन कैप से पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार धार्मिक स्वतंत्रता सहित संविधान की अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करेगी। आपने देखा देश के साथ विदेश में भी इस बिल को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर है। सबके अपने अपने तर्क हैं, हालांकि लोगों का मानना अभी भी यही है कि कहीं ना कहीं इस बिल में एक धर्म को लेकर नफरत की कहीं आग तो नहीं लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, हमारे समुदाय के कोई ऐसे लोग हो सकते हैं हमारे देश के, हमारे आसपास के, हमारे माहौल में, जो इस बिल को लेकर नफरत फैलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक धर्म को इस बिल से अलग रखा गया है। हालांकि अमित शाह ने अपने बयान में ये जरूर कहा है कि देश के मुसलमानों को इस बिल से लेकर चिंता करने वाली बात नहीं है, पर आने वाले समय में क्या वे इन मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे या अपना विश्वास किस तरीके से कायम करेंगे, ये देखना बेहद जरूरी बनता है।
हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए द स्पीकिंग इंडिया। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।